आज देखो हम लोग करेंगे पॉलिटी के सेकंड चैप्टर, दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे पूछा जाता है, तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो क्या हुआ, द आइडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगा ये वॉज गिवेन बाई किसने दिया, दैट इज स्वराज पार्टी 1924। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो वो जो है वो कौन करेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और किसने दिया था, स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट क्या बता रहा है, कैबिनेट मिशन इन्विजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। कैबिनेट मिशन आया था 1942 में, उन्होंने सोचा क्या था जी, चलो अब क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम लोग बनाएंगे जो इंडिया के लिए जो है वो क्या करेगा, वो फ्रेम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? अब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगा उसका मेंबर कौन होंगे, वो इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस टाइम मान लो जो स्टेट्स असेंबलीज है ना आज के डेट में, तो उस टाइम जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से उनके इलेक्टेड मेंबर, उनके जो है मेंबर वो इलेक्ट होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को, ठीक है? ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट्स वे एलोटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू इस पॉपुलेशन। अब बात वही आता है भाई, कौन कैसे कितना किसको सीट मिलेगा, तो वो होगा पॉपुलेशन, रफली क्या है 1 to 1 million, ठीक है? द सीट्स आर असेंडेड इन ईच प्रोविंस, द मेन कम्युनिटीज जो है वो क्या कहता है, सिख मुस्लिम एंड चुनैल। तो इसमें भी क्या है, सीट्स असेंडेड ईच प्रोविंस में अलग अलग रिकॉग्नाइज हुआ था उस टाइम किसको, बेसिकली उस टाइम जो कम्युनिटीज बेस्ड थे वो कम्युनिटीज को, सिख मुस्लिम एंड जनरल को जो है आपको सीट एलोकेशन किया गया था। इंपॉर्टेंट कमिटीज, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, जैसे देखो कमिटी ऑफ रूल्स और प्रोसीड्यूर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसे क्या कैसे याद रखो, कि रूल्स बहुत मानने वाले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, तो जो रूल मानते उनका ही जो गाड़ी का स्टीयरिंग उनके हाथ में ही होगा, तो राजेंद्र प्रसाद की गाड़ी में कार का, क्योंकि कार चलाने वाले बहुत ही रूल्स फॉलो करते हैं, तो उनकी स्टीयरिंग उनके पास है, और क्योंकि देखो स्टीयरिंग खुद चलाते हैं तो स्टाफ को नहीं रखते हैं, फाइनेंस के लिए पैसा खर्चा हो जाएगा, तो फाइनेंस एंड स्टाफ ये आ गया आपका। उसके बाद देखो नेशनल फ्लैग और एडहॉक कमेटी, नेशनल फ्लैग ऑन द एडहॉक कमेटी। अब देखो एडहॉक कमेटी जवाहरलाल नेहरू, याद रखो क्यों, क्योंकि पहले एक जो इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था ना, इंटरिम मतलब क्या, एडहॉक टाइप का ही, तो कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो एडहॉक कमेटी का वही होंगे। अब देखो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन जहां पे भी यूनियन आपको दिख जाए तो सब जवाहरलाल नेहरू है, तो देखो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कमेटी सब। अब यूनियन होगा तो स्टेट को वो क्यों छोड़ेंगे, यूनियन अगर उनके पास है तो स्टेट भी उनके पास होगा ना, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू हो गया। अब क्या आ रहा है, देखो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड। तो देखो ये एडवाइजरी कमेटी जो है फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये बहुत अच्छे से उनको आता था। क्यों आता था, कैसे याद रखोगे, क्योंकि उन्होंने पूरा कंट्री को जो है इंटीग्रेट किया था, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट किया था तो उसमें जो भी ट्राइबल होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन जो भी हुआ होगा सबको इंटीग्रेट किया था ना, तो वल्लभ भाई पटेल, ऐसे याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी तो याद ऐसे ही हम लोग को हो जाता है, बी आर अम्बेडकर। क्रेडेंशियल कम देखो अय्यर, साउथ इंडिया के जो भी है वो उनके क्रेडेंशियलिटी बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी क्रेडेंशियल पर्सन, क्रेडिबिलिटी अच्छा होता है, क्रेडेंशियल अच्छा होता है, तो अय्यर ऐसे याद रखो। हाउस, हाउस कौन है, पटवी सीतारामैया, ठीक है? तो सीता, बेसिकली सीता याद रखना, सीता जो है राम सीता, तो ऑब्वियसली उन लोग का घर जो है कहाँ, वनवास उन्होंने काटा था, तो हाउस ऐसे याद रखना। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस, देखो मुंशी जो भी होता है ना, मुंशी बेसिकली बिजनेस, बिजनेस होता है ना मुंशी, देखना ये बिजनेस क्लास के आते हैं, तो बिजनेस कौन करेगा, तो मुंशी करेगा। नेक्स्ट क्या देखो, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो फंक्शन कैसा करेगा, मवलंकार, तो लंकार मतलब ही म्यूजिक, देखो फंक्शन में क्या होता है, म्यूजिक होता है, फंक्शंस में क्या होता है, म्यूजिक होता है, तो मवलंकार मतलब ही म्यूजिक आ जाता है। माइनॉरिटी सब कमेटी, देखो मुखर्जी, तो बेसिकली मुखर्जी लोग क्या होते हैं, ये जनरल कास्ट होते हैं, तो उनको क्या है, ऐसे याद रख सकते हो, मुखर्जी मतलब जनरल, तो वो बेसिकली माइनॉरिटीज के ऊपर वो लोग सोचेंगे जो कैसे माइनॉरिटीज जो है वो काम करता है, माइनॉरिटीज के ऊपर चिंता होंगे मुखर्जी का। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सब कमेटी, तो ये कृपलानी है, फंडामेंटल राइट्स। कृपा, कृपा मतलब क्या,
मतलब तुम फंडामेंटल राइट्स वायलेट करोगे तो तुमको कृपा नहीं मिलेगा, मतलब तुमको कोई भी आपको पनिशमेंट मिलना ही है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, कृपा याद रखना। नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब ही बरदोली है, वो बड़े गोपीनाथ बरदोली बड़े नेता थे, उनके एयरपोर्ट उनके नाम पे भी है, गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही बरदोली याद रखना, और बरदोली सरनेम गुवाहाटी में बहुत चलता है। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, ये क्या है? ठक्कर, टक्कर मतलब किसी को टक्कर मत देना, मतलब किसी को एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड नहीं हो सकता है, कोई उनके टक्कर में नहीं आ सकता, ठक्कर जी के कोई भी टक्कर में नहीं आ सकता है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्या देखो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस टाइम 385 थे, जिसमें 93 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन स्टेट थे और 292 फ्रॉम प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश इंडिया के उस टाइम प्रोविंसेस। अब इसमें भी देखो 299 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होम 284 वेर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 26 नवंबर, जिस दिन आपका साइन और फाइनली अप्रूव हुआ उसमें आपका 284 मेंबर ही थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें पूछा जाता है। पार्टीशन के बाद 299 हो गया, आज जिस दिन साइन हुआ 284 मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग कब किया? 1946 9 तारीख को दिसंबर का। रीअसेंबली कब हुआ? एक सब मतलब 5 दिन बाद 14 अगस्त 1947, नहीं दिसंबर 9 और 14, नहीं बहुत दिन बाद ही हुआ, तो 14 अगस्त याद रखना। एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भाई बहुत पूछा जाता है, ये सिंबल क्या था? तो एलिफेंट सील था। कितना साल लिया? 2 साल 11 महीना 18 दिन। फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वॉज मूव्ड इन फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो 13 तारीख को दिसंबर का हुआ था, उसमें पॉन्डर जनरली वॉज एडॉप्टेड फॉर एडवल डेलीवेशन ऑफ डिविड इन द असेंबली ऑन एथो। उनका ये क्या है ऑब्जेक्टिव? एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास कराया था इसमें, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फास्टर यूनिटी ऑफ द नेशन एंड टू इंश्योर एन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी, टू हैव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हम लोग का, टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग का होगा, जहाँ पे सेंटर और स्टेट का पावर डिवाइड होगा, टू गारंटी एंड सिक्योरिटी जस्टिस इक्वालिटी ये सब हम लोग करेंगे, टू प्रोवाइड एडुकेट सेक्टर ऑफ सेफगार्ड हम लोग देंगे, जो भी माइनॉरिटीज है बैकवर्ड ट्राइबल है उनको हम लोग करेंगे, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड टेरिटोरियल रिपब्लिक हम लोग मेंटेन करेंगे, राइटफुल ऑनर प्लेस ये सब रखेंगे, और यही बाद में प्रीएम्बल के रूप में आ गया। ठीक है, अब ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है अपॉइंट किया ड्राफ्टिंग कमिटी को, जिसके चेयरमैन बनाए गए बी आर अम्बेडकर को। कब? 29 अगस्त 1947 को। वो क्या करेंगे? टू स्क्रू ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट बना था ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एडवाइज बी एन राव, उनका बंगाल नरसिंह राव भी कहा जाता है, बी एन राव मतलब बंगाल नरसिंह राव, बी एन राव का फुल फॉर्म। ठीक है, ये कौन बनाया था? ये जो ड्राफ्ट कौन बनाया था? बी एन राव बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो, उनको बेसिकली वेरीफाई करना था ये ड्राफ्टिंग कमेटी। मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, सबका याद रखना। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, देखो दो साउथ इंडियन अय्यर अयंगर ऐसे करके याद रखना। मुंशी सदुल्ला मित्तर, उसके बाद माधव राव उनके जगह पे आए, खैतान और रिप्लेस ऑफ डेथ इन 90 बाई टीटी कृष्णाचार्य, फिर रिप्लेस आए। थर्ड एंड फाइनल रीडिंग कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? ऑन दिस डेट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वाज अपेंडेड क्विट एंड कॉन्स्टिट्यूशन वर डिक्लेयर्ड एज पार्ट। उस दिन उनका सिग्नेचर हो गया और इसको पास कर दिया गया 26 को। टू प्रोवाइड रिलेटिंग, अच्छा द प्रोविजन रिलेटिंग सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविंशियल पार्लियामेंट वर इम्प्लीमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब इसी दिन से चालू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 26 नवंबर जो है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से जो है ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ देखो इस टाइम क्या हुआ, हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम किसी को उतना नॉलेज नहीं था, तो सब कंट्री देशों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन किया गया और जो हम लोग के लिए अच्छा लगा उस चीज को हम लोग लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए। तो इसमें सबसे पहले देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, जो उस टाइम क्राउन के टाइम हम लोग इससे पहले चैप्टर्स में भी पढ़े हैं उसमें भी था, तो उससे कुछ कुछ हम लोग क्या लिए, द एक्ट फॉर्म द बेसिक प्रेमाइज मतलब बेसिक और ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, गवर्नर होगा, इमरजेंसी पावर होगा, बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोर्ड, तो ये बेसिकली लाया गया वहां से, मेन बेसिस ऑफ ब्लू प्रिंट कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा होगा, फेडरल सिस्टम कैसा होगा, गवर्नर कैसे होंगे, इमरजेंसी पावर होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया गया।
ब्रिटेन से क्या लाया गया, देखो लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसे लॉ बनाओगे, रूल ऑफ लॉ कैसा होगा, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल पार्लियामेंटरीशिप एंड ऑफिस ऑफ सीएजी, ये ब्रिटेन से लाया गया। देखो यूएसए से क्या, जुडिशियरी, जुडिशियल, देखो जुडिशियरी का जो भी है वहां से लाया गया। अब देखो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ये भी जुडिशियरी से वहां से लाया गया। फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, जुडिशियरी के पास, वो भी वहां से लाया गया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रीएम्बल एंड फंक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, वो भी यूएसए से लाया गया। कनाडा से कैसे देखा, फेडरेशन लाया गया, रेसिड्यू, देखो फेडरेशन जब होगा तो सेंटर के पास रेसिड्यू पावर, ये भी उनके पास होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन करता है, ये भी कनाडा के पास ही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होगा एंड द नॉमिनेशन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट कैसे होगा, ये भी आयरलैंड से लाया गया। जर्मनी से देखो क्या लाया गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक ही चीज लाया गया जर्मनी से, जब फंडामेंटल राइट जो है इमरजेंसी के टाइम सस्पेंशन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन, कॉन्करेंट लिस्ट भी लाया गया और ट्रेड एंड कॉमर्स भी लाया गया। साउथ अफ्रीका से देखो, अमेंड विद द 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल, देखो मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ये लाया गया। और अगर आपको पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हो तो 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए। फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जरूर वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।